मनोज सृजनी समग्र प्रथम खंड पुंपुहर लेखाटी दैनिक धरित्री रे लेखकंकर केते दिगंत स्तंभरे 25 मार्च 1984 रे प्रकाशित मु पाठ करूछि समीर रंजन दास। 2000 वर्ष पूर्वरु दक्षिण भारत रे थिला एक समृद्ध आंतर्जातिक बंदर। ग्रीक मनीषी टालेमी ओ प्लिनी एही नगरीर वैशिष्ट्य वर्णना करिछंती। एहार नाम पुंपुहर, कावेरी मुहाणरे अवस्थित। एहा थिला चोल साम्राज्यर राजधानी। प्राय 1700 वर्ष तले एकदा समुद्र प्लावनरे पुंपुहर हेला विपर्यस्त। परे परे समुद्र एहाकु पूरापूरी ग्रास कला। रहीगला सहरतली अंचल, एक साधारण ग्राम। किंतु तमिल राज्यर परंपरा रे पुंपुहर अविस्मरणीय, कारण तमिल साहित्यर एक अद्वितीय कृति शिलापप्पदिकरमर पट्टभूमि पुंपुहर। जणे सन्यासी राजकुमार इलांगो आदिगलंक लिखित एही रचनाटी कहानी भावरे नुहे, इतिहास भावरे गृहीत। कई वर्ष तले प्रत्नतत्व और समुद्र विद्या विभाग जुग्म उद्यम समुद्र गर्भरु प्राचीन पुंपुहर ध्वंसावशेष उद्धार कार्य आरंभ होइतिला। सही उपलक्षे केते दिगंतरे शिलापप्पदिकरम र कहानी परिवेषण करिथिले। पाठक मानंक सुविधा निमन्ते आउथरे से कहानी कहुछि अति संक्षेपरे। पुंपुहर विशिष्ट बणिक मानंक भितरे थिले कोभलन नामक युवक। से एक संभ्रांत परिवारर कन्या कन्नगिंकु विवाह होइथिले। कोभलन हठात नगरीर नर्तकी माधवीकु भल पाइ बसिले। माधवी कोभलनकु विवाह नकले भी तांकु स्वामी भावरे ही देखुथिले। कई वर्ष बीतिगला। माधवीक प्रेमरे पागल कोभलन बेपार बणिज भूली जाइथिले। व्यवसाय भुसुड़ी पड़िला। घरे कन्नगी अति दुखरे जीवन जापन करुथांती। एक सामान्य कारणरु दिने कोभलन माधवीक भूल बुझिले ओ त्याग करी कन्नगीक पाखकु लेउटी आसिले। दुख ओ लज्जारे से अत्यंत म्रियमाण। पुंपुहर निजर सर्वस्वांत जीवन को नहीं मुह देखाइबाकु तांकर साहस नाही। कन्नगिंक पाखरे सेतेबेले उद्वृत्त थिला तांकर रत्नखचित पादभूषण नुपुर हळक। सेतेक पुंजी करी नुआ भावरे जीवन आरंभ करिबा निमन्ते कोभलन ओ कन्नगी मदुराई अभिमुखे यात्रा आरंभ कले। मदुराई रे पहुंची पादभूषण हळकरु पट्टे धरी कोभलन बिक्री करिबाकु बाहरिले। जेऊ स्वर्णकार पाखरे से पहुंचिले से धूर्त लोकटी मदुराईर पांड्य राजांकर नररु पटे पादभूषण चोरी करिथिला। राजांको आगरे निज साधुता प्रमाण करिबा निमन्ते से जाई संगे संगे खबर देला कि चोरर संधान से पाइछि। राजा क्लांत अवस्थारे थिले। बिना विचारे कोभलन को हत्या करिवार आदेश देदेले। तत्क्षणात आदेश कार्यकारी होइगला। कन्नगी जेतेबेले एहा सुनिले सेतेबेले प्रचंड क्रोधरे राजांकु सामना कले। राजा निजर अन्याय बुझिपारी भय चमकरे प्राणत्याग कले। कन्नगीक अभिशापरे सारा मदुराई सहर जळिगला। कन्नगी देवी रूपे पूजा पांती। सप्ताहे तले प्रथम थर पई पुंपुहर देखिबार सुजोग पाइली। अर्थ अभावरु समुद्र गर्भरु नगरीर पुनरुद्धार कार्य बंद रहिछि। किंतु नूतन पुंपुहर गढ़ी उठिछि उपकूलरे। एक साहित्य कृति ओ किंवदंती को केड़े सम्मान दिया जाई पारे ता स्मृतिरे किपरि एक विस्मृत अंचल को जीवन्यास दिया जाई पारे आजिर पुंपुहर तार निदर्शन। नूतन पुंपुहर को पशिबा को हुए सात गोटी तोरण अतिक्रम करी। तोरण मान कवि इंगालो आदिगल, कन्नगी, कोभालन,
ମାଧବୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ ନଗରୀ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଛି କନ୍ନଗୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭିତରେ ଶିଳାପଦ୍ମିକରମ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ଛବି ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 2000 ବର୍ଷ ତଳର ଘରଦ୍ୱାର ବେଶଭୂଷା ଯାହା ହେବାର କଥା ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀନ ପୁମ୍ପୁହରରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜଳାଶୟ ଥିଲା। ଗୋଟିକରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମାନସିକ ରୋଗ ଓ ଅନ୍ୟଟିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାହାର ସ୍ମୃତିରେ ଯୋଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଳାଶୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କୂଳରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଯୁଗର ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଧନ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ପୁମ୍ପୁହରରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା। ତା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳୁଥିଲା। ତାହାରି ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଶ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ପୁମ୍ପୁହରରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଥିଲା ଏକ ଅପୂର୍ବ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ରାଜା କିମ୍ବା ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ଆଜିର ପୁମ୍ପୁହରରେ ତାର ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟର ନାରୀମାନଙ୍କର କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ପୁମ୍ପୁହର ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଐତିହ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ।